एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो किनका वेट लॉस जर्नी कैसा चल रहा है कमेंट कर जरूर से ज़रूर होता है। और हमारे जितने भी नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं जिन लोगों को अपना वेट लॉस करना है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोज़ को थोड़े से अच्छे से देखें और पुराने वीडियोज़ को तो ज़रूर देखें, ताकि उनसे ना आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो आज दिन है रविवार का और संडे है, सारे लोग घर में ही हैं, ये भी घर में है, घर का सारा काम काज सब कुछ हो गया है। अभी मैं जा रही थी नाश्ता बनाने, मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, सर्दी जैसा लग रहा है और सर में भी पेन हो रहा है। बेटे को परेशान करती है तो झेलना तो पड़ेगा। दूसरे को बेटे को सोचिए तो कोई अपने बेटे को थोड़ी परेशान करता है, दूसरे के बेटे क्यों को अपने बेटे परेशान कर रहा हूँ? नहीं, मेरे बेटे को परेशान करने वाली आएगी, वो करेगी। तो टेंडर लेके आई ना उनको परेशान करने के लिए। हाँ, हम टेंडर लेके आए। क्या परेशान कर रहे हैं बताइए? संडे है, कितना आराम से लैपटॉप ले करके यार एकदम देखे जा रहे हैं, जो मन कर रहा है वो देख रहे हैं, जो मन कर रहा है वो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रील्स देख रहे थे अभी आप। तुम्हारा रील्स देख रहे थे? मेरा रील्स नहीं देख रहे थे? तो अपना मैं हम रील्स बनाते थे ना। आप किसी और का रील्स देख रहे थे? हाँ, देख रहे थे, कल्पना चावला का रील्स देख रहे थे। हाँ। तो तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम लोगों को ही खाना बनाना पड़ता है, ये लोग छुट्टी होने के बावजूद भी बैठे हुए रहते हैं। देखिए यही अपना है, काम करके आज रेस्ट मिला है, संडे है, रेस्ट है। और हम लोग को रेस्ट, तुम लोग को 24 घंटे रेस्ट, जमन किया काम किए, जमन काम किया नहीं। अच्छा। तुम मन पे काम करते हो, हम लोग टाइमली करना पड़ता है, मन पर काम करते हैं। और क्या? अच्छा, सही बात। मतलब कल से आराम से म्यूजिक सिस्टम ऑन कर लो, फैन ऑन कर लो, काम करते रहो। टाइम पर नहीं होता, टाइम पर खाना बनाना। टाइम पे तो भाई खाना बना रहा, लेकिन कितना एंजॉय करके बना सकते हैं हम लोग? वैसे ना कि भाई म्यूजिक चालू कर लिए और बैठ के गाना सुनते सुनते ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता। या थोड़ा थक गए, कमर दर्द कर रहा था, लेट जाते हैं बेड पे, वो तो हो नहीं सकता। कभी कभी ना ऐसा होता है ना कि हम लोग को ना एक गिलास पानी पीने का भी मौका नहीं मिलता। अरे कभी कभी ना, हम लोग को तो रोज करना पड़ता है। झूठे सरकारी बेड लगा रहते क्या ऑफिस में? गजब। ना बेड लगा हुआ रहता है, ना म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ रहता है। आप लोगों को संडे मिलता है, हाफ टाइम मिलता है, मिलेगा नहीं, हम लोग लिमिटेड सहते हैं भाई, लिमिटेड टाइम होता है। अच्छा, लिमिटेड टाइम रहता है, इतने बजे तक ही काम करना है। और हम लोगों का अनलिमिटेड टाइम नहीं, तो ऑफिसर को टाइम टेबल नहीं है, सुबह 4:30 जाने का टाइम टेबल, आने का टाइम टेबल कौन होता है? काम हो गया है चले आए, 8 घंटे के बाद भी कुछ काम पड़ गया तो फिर फोन करके इन्फॉर्म किया। 8 घंटा, उससे ज्यादा काम नहीं करते हैं। और हम लोग को देखिए आज के दिन भी छुट्टी नहीं, एक दिन तो छुट्टी मिलना चाहिए। 4 घंटा भी काम नहीं करते, 4 घंटा भी काम नहीं करते, 4 घंटा भी नहीं काम करते। सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। 4 घंटा भी काम नहीं करती कोई नहीं। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। देखिए कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं हम लोग पर कि हम लोग घर का काम 4 घंटा भी नहीं करते हैं, सोचने वाली बात। आओ आएगा कमेंट भर भर के। सही बात है भाई, कितना भी कर लीजिए ना, हम लोगों के लिए कम ही है, चाहे अपना। हाँ, बात सही बोल, कितना भी कर ले कम ही पड़ता है, जीवन हम लोग दे देना कम ही है आप। हाँ। चलिए फ्रेंड, हम लोग चलते हैं, बनाते हैं किचन में खाना और बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई। मिष्टी पढ़ाई कर रही है, मिष्टी पढ़ाई कर रही है, बात कर रही है, झूठ मत बोलो। पढ़ाई कर रही है तो ये लोग पढ़ रहे हैं, वैसे ये लोग चाय बिस्किट वगैरह खा लिए हैं। अब चलते हैं बना लेते हैं किचन में। वैसे बनाना है मुझे पूड़ी और छोले, चलिए चलते हैं किचन में बनाते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं।
सो फ्रेंड अभी आ गया है किचन में, बना लेते हैं सबसे पहले छोले। तो नहाने जाने से पहले मैं छोले और आलू को बॉईल कर कर रख गई थी। इस छोले को मैं दो तरीके से बनाती हूँ। पहला तरीका भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि डाइड वाला छोला था, जिसमें कि तेल मसाले कुछ भी नहीं पड़े थे, सिंपल बेसन के साथ मैं बनाई थी और जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारे कई सारे फ्रेंड ने बनाया था और फिर मुझे कमेंट करके बताया भी कि दीदी बहुत अच्छी बनी थी। तो होते हैं डियर, देखिए एक चीज़ बहुत तरीके से इंसान बनाता है, जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे बनाया करें। जब भी मैं समोसा, चाट या फिर और भी कुछ ऐसा बनाती हूँ तो मैं उसी तरीके का छोला बनाती हूँ, जैसे कि ब्रेड पकौड़ा वगैरह हुआ तो उस तरीके का छोला बनाती हूँ, और रोटी के साथ पूड़ियों के साथ खाना रहता है तो इस तरीके से बनाती हूँ। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाना है। तो कढ़ाई हो गई थी गर्म, उसमें मैं डाल दी थी सरसों का तेल, साथ ही तेज़पत्ता, ज़ीरा, उसके बाद एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉपर में चॉप कर ली हूँ, उसे भी ब्राउन कर ली हूँ, ब्राउन हो गया है। उसके बाद फिर सिलवट्टे पर अदरक, लहसुन, गोलकी, जीरा का पेस्ट मैं पीस ली थी। मुझे सिलवट्टे पर मसाला पीसना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज़ भी एक तरीके का हो जाता है और स्वाद तो अलग होता ही है। साथ ही यहाँ पर सूखे मसाले भी डाल दिए हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, साथ ही नमक डाल दी हूँ, और थोड़े से रंग के लिए कश्मीरी मिर्च भी डाल दी हूँ, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी पत्ता। इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, धीमी धीमी आंच पर फ्राई करेंगे ना, तो कम तेल में भी ना जब वो तेल छोड़ने लगता है तो लगता है कि जैसे कि कितना तेल हो गया है। तो देखिए ज़्यादा मैं तेल नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कितना तेल है, क्योंकि धीमे धीमे आँच पर बनाई थी। तो मसाला हमारा पक गया है, उसके बाद फिर डाल दी हूँ छोला। सो फ्रेंड हमारा छोला बनकर हो गया है तैयार, अब इसे निकाल लेते हैं और ज़्यादा बर्तन नहीं गंदा करते हैं, इसी कढ़ाई में भी पूड़ियाँ तल लेंगे। तो जब तक छोला बन रहा था ना, तब तक मैं पूड़ी के लिए आटा जो थी उसे मैं लगा कर रख दी थी, क्योंकि वो 5-10 मिनट अच्छे से सेट भी हो जाए, तो जिसके वजह से मैं लगा ली थी। और इन दिनों ढेर सारे कमेंट आ रखे थे वेट लॉस जर्नी से, हालांकि मैं अभी तक सभी को रिप्लाई नहीं कर पाई हूं, लेकिन वीडियो के ज़रिए अगर आप लोग सारे लोग देख रहे हैं तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूं कि डियर देखिए कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। वेट लॉस देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है, हमें अपना मन बनाना होता है, किसी भी चीज़ के लिए हमें अपना मन बनाना होता है। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस हमें करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बाहर के सामान को इग्नोर करना होगा, उसके बाद फिर मैदा और चीनी को भी अवॉइड करना होगा। जब तक आपका वेट लॉस नहीं हो जाता है तब तक तो कम से कम इतना तो करना होगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ हमेशा के लिए कि बिल्कुल भी अवॉइड कर दे, शरीर है हमारा, हम खुद बनाते हैं, खाते हैं, तो हमारा मन भी तो करता है कि हम भी खाएं। लेकिन हाँ, ये जो रेगुलर जो खाते हैं ना, पर डे जो खाते हैं बाहर के सामान को, उस चीज़ को बंद करना होगा। कभी कभी वीक में 15 दिन में हो गया, कभी कभी खा लिए स्लो ईटिंग के साथ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप सोचेंगे कि रोज़ खाएं तो ऐसा बिल्कुल भी बंद करना होगा, तभी जाकर आपका वेट लॉस होगा। क्योंकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग फूडी होते हैं और इस तरीके का फूडी होते हैं कि उनसे कंट्रोल होता ही नहीं है, तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना होगा। और आप अगर एक बार कंट्रोल कर लेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि आपको बाहर का सामान अच्छा ही नहीं लग रहा खाने को, आपको हमेशा मन करेगा कि चलो थोड़ा सा फ्रूट खा लेते हैं, सलाद खा लेते हैं, घर के बने चीज़ ही खा लेते हैं, तो ऐसा आपका मन करेगा। तो इसीलिए जो आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी हमें वेट लॉस करना है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखी हैं वेट लॉस पर, आप लोग देखें। आगे तो मैं बनाते ही रहती हूँ वेट लॉस से रिलेटेड, लेकिन हाँ करना आपको है, सिर्फ मुझे कमेंट कर देने से कि दीदी हमें वेट लॉस करना है, इससे नहीं चलेगा डियर, करना होगा।
आप ये मैसेज कीजिए कि दीदी हमने स्टार्ट कर दिया है 32 बार से खा रहे हैं, तब लगेगा कि चलो हाँ आप लोग को करने का मन है। तो और एक बार आप स्लो ईटिंग के साथ हेल्दी खाने के साथ एक्सरसाइज करेंगे ना, तो फिर आपका वेट लॉस होने से कोई भी नहीं रह सकता है। तो फ्रेंड दोपहर का खाना पीना हो गया था और यहाँ पर बच्चे मेरी सेवा कर रहे थे, मेरे सर में थोड़ा सा पेन हो रहा था तो बेटा पहले दबा रहा था, फिर जाकर मिष्टी भी दबाना स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर देखिए इन लोगों ने क्या बनाया है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्राउन। मम्मी ये पेन होल्डर, पेन स्टैंड, पेन होल्डर। एंड देखिए मेरे बच्चों ने आज कौन बनाया, सोनू तुम बनाया ना? क्राउन मेरा प्रोजेक्ट, मेरा तब भी मेरा प्रोजेक्ट। हाँ 10 मार्क्स मिले। ये लोग यही कर रहे थे, कितना खूबसूरत बनाया, लग ही नहीं रहा कि पापा मेरा खरीद के ना है ना, सच में बहुत सुंदर। हाँ वाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। भैया को थैंक यू बोलो, पैसा से नहीं थैंक यू बोलते बेटा। सो फ्रेंड अभी रात के बज रहे थे 9:30, हम सभी ने खाना खा लिया था, उसके बाद बच्चे ये सब एक्टिविटीज कर रहे थे। आप सभी को हमारे बच्चों की एक्टिविटीज़ कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।